मैं हूं SSM और यू फिक्सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। गो टू fibox.com और नीचे कीजिए, फेसबुक चैनल को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल लाइक एंड सी फर्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ SSM और आज हम बात करेंगे, जो इस लेसन में आज हम बात करेंगे MI का फ्लैशिंग और FRP और MI अकाउंट का रिमूव के ऊपर। कुछ ये है, रेडमी 7 का EMCP नोड है और रेडमी 7 और 7 का EMCP नोड सेम है। तो MI का दो टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा। एक उसका सही तरीके से MI अकाउंट FRP रिमूव करना है ISP नोड से, और उसको के और जो MI का जो डिस्ट्रीब्यूट आपका डिस्ट्रीब्यूट लिखता है जो सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट और हैंग ऑन लगो और डेड, जो भी आपका जो डाउनग्रेड करना है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें आपको फ्लैशिंग करना पड़ता है, तो उसको कैसे सही तरीके से ISP से फ्लैशिंग करके वो मैं आपको बताऊँगा। और फ्रेंड्स, और एक बात बताना चाहूँगा, रेडमी का ज़्यादातर ISP पिनोड सेम रहती है, जैसे कि रेडमी 7 7A सेम है और 8 8A सेम है और रेडमी नोट 8 तो है ISP और 7 7A सेम है, नोट 7 प्रो का भी ISP पिनोड है। तो उसका सारे ISP पिनोड और जो कुछ फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं उसका एक फाइल बना के आपको नीचे दिया हूँ, डाउनलोड कर लीजिए। और कुछ जानने का है, जैसे कि थ्योरी सम थ्योरी हमें क्या है, सही तरीके से फ्लैशिंग करना है तो कुछ फेल ना हो के, तो हमें क्या कहा कुछ इस तरह जंपर लगाना पड़ेगा। देखिए, डाटा और सेल के CMD को एक एक जंपर लगाना है और जो ग्राउंड पे दो जंपर लगा के, अंडरग्राउंड जो अडाप्टर है उसमें दो जंपर लगा के, जो मदरबोर्ड है वहाँ मदरबोर्ड है उसमें किसी भी दो ग्राउंड पे आपको जंपर लगाना है। उसमें क्या होता है, जब आपको EMCC को सही तरीके से वोल्ट मिलती है, तो सही तरीके से अगर हम EMCC को सही तरीका वोल्ट मिलेगा तो आपका जो फ्लैशिंग या FRP जो भी हम करते हैं उसमें ISP से वो फेल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, देखिए कुछ इस तरह ही फ्लैशिंग कीजिए और मैं अभी आपको कैसे सही तरीके से आपका जो MI अकाउंट रिमूव करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कुछ मॉडल से जो है ISP पिनोर से और या नहीं तो आपका अथॉरिटी जैसे भी करने से आपको सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसको दोबारा फ्लैश करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं उसका ISP पिनोर से नो अथॉरिटी अकाउंट के जरिए ISP पिनोर से किसे उसको सही तरीके से FRP रिमूव करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए ये रहा हमारा। तो फ्रेंड्स, हमें अभी EMCC ओपन करना है। यहाँ पे डायरेक्ट EMCC पिन आप अटैच करने के बाद fibox और EMCC पिन और सब कुछ डायरेक्ट EMCC पिन पे करने के बाद आइडेंटिफाई डिवाइस, तो ये देखिए हमारा रेडमी 7 है और रेडमी 7 दोनों का ISP नोड सेम है, तो आप 7A पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए फाइल की ज़रूरत है, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ पहले से, उसको डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे देखिए रेडमी 7 का फाइल मैं पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या है, स्पेशल टास्क में जाके उसको MI अकाउंट रीसेट नहीं करना है। तो कैसे करना है तो मैं बता रहा हूँ। तो उसका आइडेंटिफिकेशन कीजिए, उसके बाद फैक्ट्री इमेज में जाइए। फैक्ट्री इमेज में जाने के बाद जो फाइल है उसका जो रो एक्सेल फाइल है उसको ड्रैग करके वहाँ ड्रॉप कीजिए। देखिए यह आ गया। तो कॉन्फिगरेशन फाइल में एक फाइल है और पेरशीट बैग में पेरशीट इमेज है। तो यहाँ पे हमें यूजर पार्ट्स में जाके जो कॉन्फिगरेशन है वहाँ पे हमें जो ये फाइल डालना है, जो फाइल है वहाँ पे हमें ये ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो पेरशीट को भी वैसे डालना है, तो पहले पेरशीट ढूंढ लीजिए। देखिए मिल गया है,
तो पेशीट फाइल को भी वहाँ पेशीट पे डाल दीजिए, पेशीट बैग पे भी डाल दीजिए। जो फाइल में फैक्ट्री में जो शो हो रहा है वैसे ही आपको उसी का कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है। जो फैक्ट्री मेज में जो जो फाइल जहाँ जो पार्टीशन पे है सेम पार्टीशन पे यहाँ रख के उसको फ्लैशिंग करना है, देखिए राइट करना है। ये मैंने क्लॉज का स्पीड नहीं बढ़ाया था फ्रिक्वेंसी, तो मैं अभी बढ़ा के फिर से स्टार्ट राइट कर रहा हूँ। फ्रेंड देखिए फिर से राइट कर चुका हूँ। इस तरह आप फ्लैशिंग या सॉरी इस तरह आप ISP पिन आउट से MI अकाउंट रिमूव करते हैं तो आपका सेट का कोई डिस्टर्ब इमेज या कोई भी हैंग ऑन लगो या डेड कुछ भी नहीं होगा, पोर्ट भी नहीं बन सकता है कुछ भी नहीं। आराम से ISP पिन आउट कीजिए और इस तरह जो ये जो तरीका उसी तरीके से आपको MI अकाउंट रिमूव कीजिए, आपका कोई भी सेट डेड नहीं होगा। अगर ये फ्लैशिंग होने के बाद आप आराम से उसको जंपर निकल के आप सही आराम से उसको ऑन कर सकते हो। ये हो गया हमारा MI अकाउंट और FRP रिमूव, आप इसको निकल के आपका काम FRP का जो है वो हो खत्म। और ये हमें अभी फ्लैशिंग के ऊपर टॉपिक के, तो देखिए आप फर्स्ट बेडरूम से उसको फर्स्ट बेडरूम से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको स्टार्ट करने से कुछ इस तरह आएगा और उस तरह का आने के बाद कुछ इस तरह आएगा। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए उसको डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने के बाद वहाँ पे जो डॉट चिन्ह है उसको आगे नहीं जाएगा तो उसको कट करना है। देखिए उसको मैंने क्लिक किया है, मतलब उसको चॉइस करके उसको आगे .RAR लिख लीजिए डॉट के आगे। यहाँ पे एक चेंज मांगेगा तो यस के निकलने से वो जी फाइल बन जाएगा। उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर करना है। उसको एक्स्ट्रा हेयर करने के बाद कुछ इस तरह फाइल ओपन होगा, ये हमारा जो ओरिजिनल फाइल है। किसी भी टोल से फ्लैशिंग कर सकते हैं, तो हम ISP टोल से फ्लैशिंग करना है तो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि जो भी फाइल आपको फ्लैशिंग करना है जो भी, उसके पहले आपको थोड़ा सा बैकअप ले लो। तो यहाँ पे डायरेक्ट इमेज पे पिन आउट करके उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ से छोटा सा बैकअप लेना है हमें जो कि 32/64 MB का है। तो यहाँ पे आप सारे फाइल जो है RPM RMPV की तरह सबको बैकअप ले लीजिए। देखें मैं स्पीड नहीं बढ़ाया था, तो ये रहा हमारा, यह देखिए हमारा ये है बैकअप हो चुका है। तो उसके बाद यूजर पार्ट्स में जाके जो बड़े बड़े फाइल है उसको छोड़ के जो छोटा छोटा फाइल है और जो ज़रूरत फाइल है उसको बैकअप ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो जो फाइल ज़रूरत नहीं मैं उसको ऑन टिक कर रहा हूँ, और उसको ऑन टिक करने के बाद हमें उसको भी बैकअप ले लेना है। तो फ्रेंड देखिए उसको रीड कर रहा हूँ, देखिए ये भी हमारा बैकअप बन चुका है। उसके बाद आइडेंटिफाई करके उसको यूजर फैक्ट्री इमेज में जाना है। उसके बाद हमें जो फाइल हमारा पास एक्सटेंड हो चुका है उसको जो रो फाइल है और इसमें पेज फाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पे रखना है। देखिए ये हमारा इमेज फाइल ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो रो XML फाइल है वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप पेज ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद बस आपको ये राइट करना है। कम से कम ये आधा घंटा टाइम लगेगा, तो इसको मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो जो 3 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ बताना है आपको, रेडमी का अभी जो डिस्टर्ब इमेज या तो हैंग ऑन लगो या डेड रिकवर जो भी आपका प्रॉब्लम है, हम डायरेक्ट किसी भी नॉर्मल फ्लैश टॉल से फ्लैश करने से अथॉरिटी मांगता है, तो इसीलिए मैं ये आपको कैसे सही तरीके से फ्लैशिंग करना है और बिना रुकवा कोई गड़बड़ से, जैसे कि आधा फ्लैशिंग होके रुक जाता है, तो ऐसा ना होने के लिए मैं कुछ तरीका पहले से बता चुका हूँ वीडियो से आगे। तो कुछ इस तरह जंपर पंपर लगा के आप उसको सही तरीके से फ्लैश कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए ये है हमारा रेडमी 7 और 7A का है और रेडमी 8A का भी ISP पिन आउट सेम है, उसका फाइल भी दे चुका हूँ। और आपका
रेडमी नोट 8 का भी हाई स्पीड निकल चुका है, और आपका नोट 7 का, नोट 7 प्रो का हाई स्पीड निकल चुका है, तो उसको भी आपको जब भी फ्लैश करना है और नहीं तो लॉक रिमूव करना है, तो पहले लॉक रिमूव करने का तरीका मैं पहले से बता चुका हूँ, उस तरह ही कीजिए, क्योंकि उस तरह लॉक रिमूव करने से आपका कोई भी डेड या डिस्टर्ब इमेज या तो हैंग ऑन लगा नहीं होगा। ज़्यादातर क्या करते हैं हम, सेशल टास्क में जाके उसका जो रीसेट एमआईकॉन करने से या तो वाईफाई काम नहीं करता है या तो हैंग ऑन लगा पे रुक जाती है, तो उसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें उसको इस तरह राइट करने से आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, और हमारा चैनल में देखते हैं, हमारा लेसन देखते रहें, और हमारा जो लेसन बहुत और भी आएगा, जब जब न्यू आएगा आता है तो उसका न्यू लेसन बना के आपको भेजेंगे, और आईएसपी पिन आउट टॉम फाइल सारे हम देते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए, और आप जो यूजर है दूसरे यूजर है उनको शेयर कीजिए, उन्हें भी बताएं कि यू फाई बॉक्स को यूज़ करने की कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा लेसन देखिए, थोड़ा लेसन के जरिए हम आप कुछ सीख सकते हैं, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा आपको जो भी प्रॉब्लम है हम फॉर्म में पोस्ट कीजिए उसका भी सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे फेसबुक का जो पेज है उसको भी लाइक कीजिए, और ग्रुप हमारे ग्रुप से जुड़ी रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी है थोड़ा पूरा फ्लैशिंग होने के, देखिए फ्रेंड्स ये अभी हमारा पूरा फ्लैश हो चुका है। तो फ्रेंड्स, फ्लैशिंग होने के बाद कुछ ऐसा एरर आता है, एरर आएगा तो आपको फ्लैशिंग से पहले यहाँ पे देखिए जो बैक GBT उसको ऑन टिक करके फ्लैश कर दीजिए, नहीं तो ये जो बैकअप लिया है उसी से सिर्फ EXT CSD फाइल की फ्लैश कर दीजिए, नहीं तो ये सेट ऑन नहीं होगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आप फ्लैशिंग करते हैं तो फ्लैशिंग से पहले हमें बैक GPT जो है उसको ऑन टिक करके फ्लैश कीजिए, नहीं तो ये फ्लैशिंग होने के बाद अगर ये एरर आती है तो EXT CSD फाइल को फ्लैश कीजिए, ये याद रखिए। और फ्रेंड्स, आगे हमारे से जुड़ी रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।